तो चलिए जी, यहाँ पे हमारा जो आज का चैप्टर है दैट इज लॉगरिथम्स। सो बिफोर वी गो फर्दर, हम पहले समझते हैं लॉगरिथम्स है क्या। तो डेफिनेशन है लॉगरिथम्स की कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी इज ए कॉन्स्टेंट देन वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी if and only if b y is equals to b raised to power y is equals to x। चलिए इस बात को समझते हैं कि क्या है ये। ये बोलता है कि हमारे पास अगर 2 raised to power 3 is equals to 8 है ना, ठीक है, 2 raised to power 3 equals to 8 है, this implies that log of 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। देखिए ये जो है ना बड़ी सिंपल सी एक चीज है, यहां पे इसको हम बेस मानते हैं, लॉग के केस में ये बेस होता है और नॉर्मली हम इसको बेस कहते हैं। तो बेस हमेशा सेम ही रहता है, बेस नेवर गेट्स चेंजेस, इट ऑलवेज रिमेन सेम। और हम इसको ना डबल इंप्लाइज डालते हैं बिकॉज दिस इंप्लाइज दिस पर्टिकुलर थिंग। कहने का मतलब यह है कि इफ ए रेज टू पावर बी इज इक्वल्स टू सी दिस इंप्लाइज दैट लॉग ऑफ C to the base A equals to B। तो हमारे पास क्या आएगा, log of C to the base A equals to B। अब यहां पे A जो है हमारे पास क्या रहता है, A is हम लोगों ने अभी सीखा, ए हमारे पास है बेस, एंड सी हमारे पास है आर्गुमेंट, ठीक है। तो एक तरह से अगर हम लोग सोचें तो ये क्या है, दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये देखें, अब यहां पे देखें, इफ वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी, तो बी हमेशा बेस में ही रहेगा, बी रेज टू पावर वाई इज इक्वल्स टू एक्स। हम इस बात को ऐसे समझते हैं कि भाई सपोज अगर मुझे ऐसे बोला जाता है लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू पूछी जाती है, तो मैं इसको ऐसे समझता हूं कि इस 2 की हम क्या पावर लें, इस 2 की हम क्या पावर लें कि वो 16 बन जाए, हम इस 2 की कौन सी पावर लें कि वो हमें 16 बना दे। तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो इस 2 की पावर 4 होगी तो ये 16 बन जाएगा। और ये हमें ये भी बताता है कि 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 16, यहीं से हमें ये चीज पता चलती है, ठीक है। अब आप इस चीज को उल्टा भी बात कर सकते हैं और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ 10 raised to power 3 इज इक्वल्स टू 1000, दिस इंप्लाइज दैट लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 3। तो ये बेसिक डेफिनेशन है हमारे पास लॉग की, जो हम लोग फर्दर यूज करेंगे। ठीक है जी, आप देखें इसी तरह से आपके पास कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। इफ आई से इट एज इफ
थ्री रेस टू पावर फाइव इज 243. दिस इंप्लाइज दैट लॉग ऑफ 243 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 5. ठीक है, अगर आप बोले कि 4 रेस टू पावर 0 इज 1, दिस इंप्लाइज दैट लॉग ऑफ 1 टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू 0. तो कहने का मतलब यह है कि यह हमेशा सेम प्रिंसिपल को फॉलो करेगा. ठीक, अब क्या होता है कई बार, अब ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ऐसे होता है कई बार हमें बोलता है कि इसी तरह से डायरेक्टली बात करता है, बोलता है कि आप लॉग ऑफ 25 टू द बेस 5 का वैल्यू निकालो. तो हम इसके लिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉगरिथम को यूज करते हैं. हम कहते हैं लेट्स से लॉग 25 टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू ए. दिस इंप्लाइज दैट 25 इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर ए. दिस इंप्लाइज दैट 5 रेज टू पावर ए इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 2. दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू 2. एक और करते हैं, जैसे हमारे पास ये बोलता है लॉग ऑफ 512 टू द बेस 2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. इसका मतलब ये है कि हम इसको ना क्या ले लेते हैं, हम इसको ए ले लेते हैं, जैसे दोबारा हमने ऊपर लिया. तो बाय बेसिक डेफिनेशन ये क्या बन जाएगा, 2 रेज टू पावर ए इज 512. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर ए इज 512 इज 2 रेज टू पावर 9 एंड दिस इंप्लाइज दैट A is equals to 9. तो यहां पे हमारे पास पोज, अब देखिए हम लोगों ने सीखा क्या अभी तक, हम लोगों ने सीखा कि इफ a raised to power b is equals to c, this implies that log of c जो इक्वल टू के इस तरफ है, सी बेस विल रिमेन सेम, ए इज इक्वल्स टू बी. या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, और आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, इफ लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इज इक्वल्स टू सी, तो बी जो है वो बेस में रहेगा और ये सी जो है उसकी पावर बनेगी, तो बी रेज टू पावर सी इज इक्वल्स टू ए. यानी आपको जो ध्यान देना है ना वो यही देना है कि ये जो सी है ये बी की पावर बन जाएगी, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है. इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक और एग्जांपल करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमें बोलता है लॉग 27 रेस टू द बेस 3 की वैल्यू फाइंड आउट करिए, ये पूछिए, तो हमें पता नहीं है कि वो वैल्यू क्या है. हम इसको ऐसे लिखेंगे लॉग 27 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू कोई भी नाम दे दीजिए, ठीक है, आप इसको k मान सकते हैं, लेट्स से वी टेक इट एज k. अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये 3 रेज टू पावर k लिखेंगे इसको, 3 रेज टू पावर k इज इक्वल्स टू 27. हमारा मेन काम है कि हम दोनों साइड के बेस को सेम कर लें. ये 3 रेज टू पावर k है तो ये भी 3 की कोई पावर ले ले, तो इट इज 3 रेज टू पावर 3 एंड दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल्स टू 3. दिस इज द आंसर फॉर अस. ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लेके चल सकते हैं कोई भी. फॉर एग्जाम्पल एक और मैं कर लेता हूँ आपके लिए. हमारा जो मेन काम है वो है कि हमें दोनों साइड के बेस को सेम करना होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये बोलता है लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 100, ऐसे बोलता है सपोज, ठीक है, अब मैं इसको ले लेता हूँ के के बराबर. इसका मतलब 100 रेज टू पावर के इज इक्वल्स टू 1000. अब एक छोटी सी चीज हमने क्या किया, हमने अगेन यहां पे जो बात ध्यान देने वाली थी वो बच्चे यही थी कि हमने 1000 की पावर के ली, 100 की पावर के ली एंड दैट इज इक्वल्स टू 1000. नाउ इफ यू सी हियर
हंड्रेड रेस टू पावर के इज इक्वल्स टू थाउजेंड। इफ यू सी हियर, अगर आप यहां पे देखें इसको, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा दोनों का बेस बराबर करना है। अब यहां पे पिछले केसेस में तो सिंपली हमें पता चल रहा था कि बेस बराबर हो सकता है, बट यहां पे अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन एक बात पक्का है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं टेन रेस टू पावर टू रेस टू पावर के, और इसको लिख दूं टेन रेस टू पावर थ्री, तो मेरी बात बन सकती है। दिस इज टेन रेस टू पावर टू के इक्वल्स टू टेन रेस टू पावर थ्री, एंड फ्रॉम हेयर आई गेट टू के इज इक्वल्स टू थ्री। मेन इंपॉर्टेंट है दोनों साइड के बेसिस को सेम करना, तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 3/2। तो क्वेश्चन आपके पास बच्चे ये इस फॉर्म में पूछा जा सकता है, ये फॉर्म आपसे यूज की जा सकती है कि 1000 टू द बेस 100 इज इक्वल्स टू k है, तो हम इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू हमारी क्या रहेगी। अब सपोज एक क्वेश्चन हमारे पास बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 16 टू द बेस 4 प्लस लॉग 25 टू द बेस 5। अब सपोज एक क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से दिया हुआ, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को अलग अलग से लूंगा। लॉग 16 टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू ए लूंगा, 16 इज इक्वल्स टू 4 रेस टू पावर ए, 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 रेस टू पावर ए, ए इज इक्वल्स टू 2, एंड log 25 टू द बेस 5 को मैं b ले लूंगा। दिस इंप्लाइज दैट 25 इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर b, दिस इंप्लाइज दैट 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर b, दिस इंप्लाइज दैट 2 इज इक्वल्स टू b। अब यहां a और b का वैल्यू 2 आ गया, कभी कभी हो भी जाता है ऐसा, सेम भी हो सकता है। देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, log 16 टू द बेस 4 प्लस लॉग 25 टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस। ये आप करेंगे इसी खुशी में, पहले आप इसको समझे, इसको समझ नहीं आएगा वो मुझसे पूछेगा, पहले मैं बात करूंगा आपसे, फिर उसके बाद आप मुझसे पूछेंगे, एंड देन उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। मैं आपको अभी टाइम दूंगा पूरा। दिस इज 9 टू द बेस 3 प्लस लॉग 16 टू द बेस 2। ओके, आप ये फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है क्या। यहां तक तो हम लोगों ने बेसिक देख लिया। अब जब हम लॉगरिथम्स की बात करते हैं तो देर आर सम आइडेंटिटीज जिसको हम लोगों ने ध्यान में रख के चलना होता है। अब ये बेसिक आइडेंटिटीज जो हैं वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जिसका हम लोग ध्यान रखेंगे, डेट इज नंबर वन इज, आपने ना एक बात हमेशा याद रखनी है कि लॉग का ना ये जो बेस होता है, हम नॉर्मल जो बेस लेके चलते हैं वो लेते हैं लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, दिस ई इज नोन एज नेचुरल बेस। ठीक है, ये ई इसका नेचुरल बेस है, एंड अगर आपके पास लॉग 5 ऐसे लिखा गया है तो आपने मानना है कि उसका बेस ये न्यूमेरिक बेस है। ये तब हम लेते हैं जब हमारे पास नंबर्स के शेप में कोई बात हो रही हो, ये इसका न्यूमेरिक बेस है। ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, हम लोग मोस्टली इसी को ही यूज़ करेंगे, मतलब न्यूमेरिक बेस को ही हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो हमारी सबसे पहली बात यह है, लेकिन आपने
जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको ध्यान देखना है। आपने देखना है लॉग ए टू द बेस, कोई भी बेस ले लीजिए, लेट्स से लॉग ए टू द बेस एक्स प्लस लॉग बी टू द बेस एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ए इंटू बी टू द बेस एक्स। थर्ड लॉग ए टू द बेस एक्स माइनस लॉग बी टू द बेस एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू लॉग ए अपॉन बी टू द बेस एक्स। नंबर फोर लॉग ए रेज टू पावर बी इज इक्वल्स टू बी लॉग ए। बेस इसका चाहे आप एक्स ही रहने दीजिए लेकिन हमारी पावर ए रेज टू पावर बी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज आपने अभी देखा एज एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन, हम सबको पता है जीरो एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन। दिस इंप्लाइज दैट हम इसको ऐसे लिखेंगे लॉग ऑफ वन टू द बेस ए इज इक्वल्स टू जीरो। कहने का मतलब कोई भी बेस हो जाए लॉग वन का वैल्यू हमेशा जीरो होता है। दैट मीन्स लॉग वन टू द बेस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, लॉग फाइव टू द बेस लॉग वन टू द बेस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब लॉग वन का कोई भी बेस हो इट डजंट मैटर टू अस एट ऑल, व्हाट मैटर टू अस इज कि लॉग हम किसका ले रहे हैं। तो लॉग ऑफ वन इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। सिक्स, अब जैसे हम सबको पता है कि एज a raised to power 1 is equals to a, so this implies that log of a to the base a is equals to 1। means aapse koi bachche puche log 7 to the base 7 it is 1, log 3 to the base 3 is equals to 1, log 5 to the base 5 is equals to 1 and so on। तो हम इसको हमेशा इसी तरह से लेके चलते हैं। आप इसको नोट करिए फिर मैं नेक्स्ट पे बात करता हूं। नो जैसे आप सबको पता है कि टेन रेज टू पावर वन इज 10, 10 raised to power 2 is 100, 10 raised to power 3 is 1000 and so on। मतलब अगर power 1 है तो एक zero आएगा, power 2 है तो दो zeros आएंगे, power 3 है तो तीन zeros आएंगे। Similarly, this implies that कि अगर मैं log 10 की value ले रहा हूँ to the base 10, it is equals to 1, log 100 की वैल्यू ले रहा हूं, 100 इज व्हाट, 100 इज 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज सर तो इट इज 2, log 1000, 1000 इज व्हाट, 10 क्यूब, 10 क्यूब उसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। और इसी तरह से हम कभी भी 10 की कोई भी पावर ले ले टू द बेस 10 इट विल ऑलवेज बी गिविंग अस दैट पर्टिकुलर नंबर। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है हम उसको भी एक बार समझ लेते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है log 10, ऐसे बोलता है log 10 प्लस log 100 प्लस log 1000 प्लस log 10000।
हम लोगों को बच्चे ये बात सिर्फ समझनी है कि ये हमें गिवन क्या है ये, और इसका अगर बेस गिवन ही ना है, एक बात आपने याद रखना है, अगर कभी बेस गिवन नहीं है उस बेस को हम हमेशा 10 लेके चलते हैं, हम उसको हमेशा मानते हैं कि वो बेस 10 है। यानी एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है ये कुछ इस तरह से है, लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, लॉग ऑफ 10 स्क्वायर टू द बेस 10, लॉग ऑफ 10 क्यूब टू द बेस 10, एंड द लास्ट वन विल बी लॉग ऑफ 10 रेज टू पावर 4 टू द बेस 10। तो इसका आंसर बच्चे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 लिखा जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 10। दिस इज द आंसर फॉर अस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पास क्या दिया गया है और आपने इसको किस तरह से लेके चलना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है अगर आपके पास बच्चे कभी ऐसे दिया गया हो लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, दिस थिंग कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी टू ए कॉमन बेस सी, और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सेम आइडेंटिटी को, log of a to the base b can be written as 1 upon log of b to the base a। मतलब ये पोर्शन जब नीचे की तरफ जाएगा तो वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ए बी की जगह बी ए आ जाएगा, ठीक है। log a to the base b, base b is equals to log b to the base a आ जाएगा, 1 upon log b to the base a आ जाएगा, ठीक है। एंड वन मोर, लॉग, इससे हमें एक और चीज पता चलती है, वो क्या, लॉग ए टू द बेस बी इंटू लॉग बी टू द बेस ए, लॉग बी टू द बेस ए is always equals to 1। मतलब अगर आपको कुछ ऐसे बोला जाए log 2 to the base 3 into log 3 to the base 2, this thing can also be written as, वैसे तो ये आंसर 1 आएगा, तो let us prove it also, log 2 upon log 3 हम इसको लिख सकते हैं, into log 3 upon log 2 लिख सकते हैं, ये log 3 cancel, ये log 2 cancel, so this is equals to 1। अगर आपके पास कुछ गिवन नहीं है तो हम उसको क्या लेके चलते हैं, हम उसको 10 बेस लेके चलते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये जो बेस है ये कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने ये सी लिखा ना, ये जो सी है यहाँ पे, इट मींस दिस इज अ कॉमन बेस, सी इज सम कॉमन बेस, वो 10 भी हो सकता है, वो 10 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो आपने इसको यह समझना है कि वो जो बेस हम लेंगे वो हमेशा और हमेशा कॉमन बेस ही होगा, ठीक है जी। चलो जी, इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, फिर फर्दर बात करता हूँ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज बताना चाहूंगा, रिमेंबर लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी इज नेवर इक्वल टू लॉग ए प्लस बी प्लस सी। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, इसीलिए आपको ये बता रहा हूं, तो दिस इज समथिंग विच यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर। इसको मैं रेड बॉक्स में डाल रहा हूं ताकि आप ये इससे हमेशा ये समझ के रखें कि ये आपको कभी भी ऐसे नहीं लेना है, ठीक है। मतलब अगर आप ऐसे बात करें तो वी हैव, अगर आपके पास log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d
एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे चलता रहेगा ना, तो दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू लॉग ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। लॉग एक्चुअल में हेल्प करता है हमें हमारी कैलकुलेशंस को इजियर करने में, ठीक है। तो आप आगे देखेंगे कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को हम इजी कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉग, राइट। तो एक क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ा सा हम इस कंसेप्ट को लेके चलें। फॉर एग्जांपल कई बार हमें एक एग्जांपल ऐसे है कि बोलता है लॉग ऑफ थाउजेंड टू द बेस 0.1। अब ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, अगेन इसको हम के लेके चलेंगे और बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से आ जाएगा 0.1 रेज टू पावर के इक्वल्स टू 1000। अब ये क्योंकि पावर जो है ये किसी भी तरह की हो सकती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 1/10 रेज टू पावर के इक्वल्स टू 1000, 10 रेज टू पावर माइनस के इज 10 रेज टू पावर 3, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये 1/0.1 इज 1/10, 10 ऊपर जाएगा, 10 को अगर हम ऊपर की तरफ लिखेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो 10 रेज टू पावर माइनस के इज, एंड दिस इंप्लाइज दैट माइनस के इज इक्वल्स टू 3, के इज इक्वल्स टू माइनस 3। एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये बोलता है ब्रेक या इसको आपको बोलता है इस तरह से लॉग ऑफ 24, तो लॉग ऑफ 24 को आपने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको आपने एक्सपेंडेबल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एक्सपेंडेबल फॉर्म में आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लेट अस सी दैट। हम लॉग 24 को ना फैक्टराइज करेंगे, 24 को तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं लॉग ऑफ 2³ इंटू 3, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं लॉग, अब देखें बीच में इनटू है तो लॉग 2³ प्लस लॉग 3, दिस इंप्लाइज दैट 3 लॉग 2 प्लस लॉग 3, ये हमारे पास इसका एक्सपेंडेबल फॉर्म आ गया, मतलब जो हमने इसको एक्सपेंड करके लिखा। एक और देखते हैं, कुछ भी एनीथिंग, लाइक आपको इसको ना प्राइम नंबर्स में तोड़ देना है, जैसे लॉग 30 लिखा गया, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट एज लॉग 2 इंटू 3 इंटू 5, और फिर आप इसको तोड़ेंगे, लॉग 2 इंटू 3 इंटू 5 आपने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, ठीक है। जैसे आप जिसको नहीं पता वो ऐसे करेगा, 2 से डिवाइड करेगा तो 15 आएगा, 3 से डिवाइड करेगा तो 5 आएगा, तो याद आएगा लॉग 2 इंटू 3 इंटू 5 विच बिकम्स लॉग 2 प्लस लॉग 3 प्लस लॉग 5। तो आप इसको जब एक्सटेंडेबल फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको इसी तरह से लेके चलेंगे। तो विद दिस वी आर फिनिशिंग टुडेज लेक्चर, एंड यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू व्हाट वी हैव डन टुडे। बेसिक कॉन्सेप्ट से अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, कल इसको आगे लेके चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। So bye for now. God bless you all. Take care of yourself. Keep studying hard and Jai Hind.